फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोटोकॉल का आने से नी रिप्लेसमेंट के आउटकम पे या रिजल्ट्स पे क्या फर्क पड़ा है? फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोटोकॉल एक होलिस्टिक और टीम अप्रोच है जो सेंटर्स है, जैसे कि हमारे हम रूटीनली ये सर्जरी कर रहे हैं, तो पेशेंट के भर्ती होने से पेशेंट के डिस्चार्ज होते तक जितने भी लोग इन्वॉल्व है, डॉक्टर, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सिस्टर्स, ये सभी लोगों का एक टीम वर्क है जिसमें पेशेंट के एडमिट होने के बाद जो एक प्रोटोकॉल डिसाइड होता है वो बहुत माइन्यूटली डिसिप्लिन वे में फॉलो होता है। जैसे कि कौन से कितना पेन होगा तो कौन सा इंजेक्शन देना, पेन को किस प्रकार से कम करना, क्रायोथेरेपी, आइस एप्लीकेशन का उपयोग करना पेशेंट का पेन कम करने के लिए, समय समय पे उनको एक्सरसाइजेस बढ़ाना, एक्सरसाइजेस समझाना और उनको सेल्फ एक्सरसाइज करने के लिए प्रमोट करना, कॉन्फिडेंस मोटिवेट करना कि वो खुद करे, जल्द से जल्द उनको बिस्तर से उतार के 24 घंटे के अंदर खड़े करके चलाना, 48 घंटे में उनको कॉन्फिडेंस देना कि वो बिगर वॉकर स्टिक के चले और 3 दिन में सीढ़ियों का उपयोग कर सके। यह फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। इसके आने से पेशेंट काफी स्मूथली रिकवर हो रहे हैं काफी फास्ट, और उनका जो पेन है या जो पेन में के कारण वो एक्सरसाइज या रिकवरी नहीं कर पाते थे, सारी चीजें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है। पेशेंट कंफर्टेबली रिकवर कर पा रहे हैं और दे आर वेरी वेल सेटिस्फाइड।